जो माइटोटिक डिवीजन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था, ये जो पॉइंट है वो किस चैप्टर में है? लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन, इस चैप्टर से लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट था माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। एक्चुअली ये मियोसिस सेल डिवीजन जो है ये इतना डिटेल में आपकी बुक में दिया नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि कैसे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके चीज़ें। तो बेसिकली मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है ये क्लियर होना जरूरी है। मियोसिस सेल डिवीजन होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स मतलब जो टेस्टिस है इन केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल। तो ये इसमें जर्म सेल्स रहते हैं, वो एक एक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, या अगर ओवरी है तो एग्स प्रोड्यूस करना, ये उसका काम होता है। तो इन सेल्स में जो है मियोटिक सेल डिवीजन हमें दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। और देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो स्टेजेस है ये पूरे प्रोफेज वन के स्टेजेस हैं। ओके, सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये पांच जो है वो सेल प्रोफेज वन के स्टेप्स हैं या फिर फेजेस हैं। और प्रोफेज वन के बाद आता है मेटाफेज वन, देन एनाफेज वन, देन टीलोफेज वन, और उसके बाद प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। इस लॉन्ग प्रोसेस को हम बोलेंगे मियोसिस। तो मियोसिस पार्ट वन और पार्ट टू में कंप्लीट होता है। सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियोटिक सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड इन टू पार्ट्स और टू मेन पार्ट्स, दैट इज मियोसिस पार्ट वन एंड मियोसिस पार्ट टू। अब मियोसिस जो है, मियोसिस इज कंप्लीटेड, यस, अब मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो रिकॉम्बिनेशन का इवेंट होता है, जो हमें क्रॉसिंग हो ओवर, ये जो स्टेप है या फिर प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का, तो ये प्रोसेस होगा मियोसिस वन में। और जो मियोसिस टू है, मियोसिस टू का जो डिवीजन है वो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस सेल। गेटिंग दिस, अगेन आई विल रिपीट, मियोसिस वन जो प्रोसेस होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, मियोसिस वन डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसका इम्पोर्टेंस रिकॉम्बिनेशन में होता है, या फिर रिकॉम्बिनेशन होने के लिए जो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है उसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और वो कंप्लीट होता है मियोसिस वन डिवीजन में। और जो मियोसिस टू डिवीजन है दैट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोटिक डिवीजन। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। कब रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स हम इसको नहीं बोलेंगे। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड दस टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। अब दो हैप्लॉइड सेल किसका एंड प्रोडक्ट है? मियोसिस वन डिवीजन का प्रोडक्ट है, दो हैप्लॉइड सेल्स बन गए। अब ये दो हैप्लॉइड सेल क्या करेंगे, आगे जाके चार हैप्लॉइड सेल बना देंगे। अब ये दो हैप्लॉइड सेल्स हैं, उसमें आगे जाके आपको एंड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे चार हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। कब, किस डिवीजन में? मियोसिस पार्ट टू डिवीजन में चार हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। तो ये कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। अब और यहाँ पे, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मियोसिस वन में क्या हो रहा है। मियोसिस वन में आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे थिक हो रहे हैं, और क्रोमोसोम थिक होके यहाँ पे बना देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, या फिर हम इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर देंगे, एक के दो बन गए। अभी आगे यहाँ पे फिर सेकंड जो है लेप्टोटीन है, ये लेप्टोटीन प्रोसेस है। ये जाइगोटीन मतलब ये जो
सेम सेम क्रोमोसोम्स है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का जुड़ना ये सेकेंड स्टेप है और इसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन। अब पैचिटीन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि पैचिटीन में क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग होने की वजह से ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो पैचिटीन का प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर जो हम बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैचिटीन। अब पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो ये जो क्रॉसिंग क्रॉस बन जाते हैं, ये क्रॉस जो बन जाते हैं क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसको हम बोलते हैं, इस पोजीशन को वो हम बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। तो ये टेट्राड फॉर्मेशन बना के आगे क्या करने वाले हैं, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज होने वाला है क्रॉसिंग ओवर के साथ। अब पैचिटीन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये चेंजेस एक्सचेंजेस होंगे। अब यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन और नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये टेट्राड फॉर्मेशन कायजमाटा बना देगा, ओके। कायजमाटा मतलब ये स्टार्ट होते हैं सेपरेट होना, क्रोमेटिड्स क्या होंगे, सेपरेशन के प्रोसेस में लग जाएंगे। अब सेपरेशन पूरा तो यहाँ पे नहीं होगा, आगे जाके जब डाइकाइनेसिस होगा डिप्लोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये सेपरेशन होने के प्रोसेस में लग जाएंगे। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑलमोस्ट सेपरेशन होके सेपरेट होके मेटाफेज वन की तैयारी करेंगे। मेटाफेज वन में क्या होने वाला है, मेटाफेज वन में ये क्रोमोसोम कम्प्लीटली सेपरेट होके अलाइन होंगे मिड लाइन में या फिर इक्वेटोरियल प्लेन में, सो दैट दे कैन बी मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय देयर सेपरेशन और आफ्टर देयर सेपरेशन। तो मेटाफेज वन में ये अलाइन हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अलाइन होने के बाद ये जाएंगे अपोजिट पोल्स को, ये आ गए दूसरे पोल के साथ और ये चले गए अपोजिट पोल के साथ। तो ये फिर से स्पिंडल फाइबर यहीं से स्टार्ट होना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन पहले से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीटली यू कैन ऑब्जर्व द स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इन एट द इक्वेटोरियल प्लेन मेटाफेज वन में सेम, और एनाफेज वन में फिर से सेपरेशन। आप माइटोसिस सेल डिवीजन आप देखोगे उसमें सेम स्टेप्स आपको दिखेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे क्रोमैटिन होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर बताना है प्रोफेज वन में, ओके। मेटाफेज वन में भी फिर से ये क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेन में प्लेन के ऊपर, और फिर एनाफेज वन में वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सेपरेशन के बाद दो हैप्लोइड सेल्स बने, ये तो हैप्लोइड सेल्स बन चुके हैं टेलोफेज वन में। तो हमने देखा प्रोफेज वन में 1-5 स्टेप्स है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस एंड मेटाफेज वन, दिस इज मेटाफेज वन, दिस इज एनाफेज वन एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज वन। सो दिस इज हाउ द मियोटिक वन डिवीजन इज कम्प्लीटेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और प्रोसेस दैट इज क्रॉसिंग ओवर, which is very important for the recombination of the genes. तो क्रोमोसोम्स में जो recombinations होता है वो genetic recombination होता है, genes का recombination होता है, और वो बहुत ही important सा step होता है। इसी की वजह से जो parents हैं उनके offspring same parents की तरह नहीं दिखते, क्योंकि recombination होता है genetic material का, recombination crossing over process में होता है। मियोटिक जो पार्ट टू का डिवीजन है, मियोसिस पार्ट टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस। इन दिस स्टेज द टू हैप्लोइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन मियोसिस वन अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड फोर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर्स बाय मियोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन
4 haploid daughter cells are formed from one diploid to n cell. During this cell division, crossing over occurs between homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from the parent cell and from each other too. तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मियोसिस पार्ट टू में होता क्या है. अब यहाँ से बिगिन क्या होगा, आप देखते हो आप ये वाला टीलोफेज टू में, मतलब दो डॉटर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन चुके थे. यहाँ पे हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर सीन इन द प्रोफेज टू, यहीं से उठा के ये यहाँ पे डाल दिए. ओके, सो सी दीज क्रोमोजोम्स इन प्रोफेज टू. तो क्रोमोजोम्स कैसे है, क्रोमोजोम्स ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुके हैं जेनेटिक मटेरियल अपना, जो ब्लू और रेड कलर के साथ आपको दिखता है. कुछ कुछ पार्ट ब्लू है, कुछ पार्ट रेड है. यहाँ पे भी सेम है, कुछ पार्ट रेड है, कुछ पार्ट ब्लू है. मतलब रिकॉम्बिनेशन इज ऑलरेडी डन इन द प्रोफेज वन ड्यूरिंग पैचिटिंग. ओके, तो ये सेपरेशन जो दिख रहा है आपको पैचिटिंग में दिख रहा है. ओके, और सेपरेशन मतलब जीन का रिकॉम्बिनेशन. ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. फिर अब फिर से हम देखते हैं कि प्रोफेज टू में ये सिंपल दो सेल्स थे, हैप्लॉइड सेल्स. फिर प्रोफेज टू में मेटाफेज टू, अब नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज टू. मेटाफेज टू में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट, दे अगेन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द क्रोमैटिड्स एंड द क्रोमोजोम्स विल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो पुल करना, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अपोजिट पोल्स पे पुल करना स्टार्ट हो जाते हैं. और नाउ दीज क्रोमेटिड्स आर नाउ ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर, अलग अलग पोल्स पे जाना ट्राई कर रहे हैं या फिर खींचे जा रहे हैं वो सेंट्रियोल के साथ स्पिंडल फाइबर की मदद से. अब सेपरेशन होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दो सेल है तो इसलिए दो सेल का अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है. तो ये वाला सेल ये है और ये दूसरा वाला सेल यहाँ पे आपको दिखाया है. ओके, तो ये कितना बन रहा है, ये दिस इज वन, दिस इज अनदर सेल, दिस इज थर्ड सेल और दिस इज फोर्थ सेल. So you can see there are four daughter cells are going to form at the last or in the final stage, that is telophase 2. How many cells are formed? 4 cells are formed. Whether they are haploid or diploid, they are haploid. Meiosis mein haploid cells bante hain. Meiosis mein kya bante hain? Haploid cells. Matlab jitne chromosome hain, उसके हाफ क्रोमोजोम आपको दिखते हैं. अब हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46 क्रोमोजोम. हमारे सेल, हर एक सेल में कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46. लेकिन ओवरी और टेस्टिस के सेल्स में जो सेल्स बन रहे हैं मियोसिस सेल की डिवीजन के थ्रू, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जो सेल्स बन रहे हैं वहाँ पे हैप्लॉयड मतलब 23 क्रोमोजोम्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे दिए हैं दो दो, लेकिन एक्चुअली टोटल कितने हैं, ये 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, बेसिक जो डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस का वो समझ लेना है. और इसमें क्रॉसिंग ओवर किस स्टेप में होता है, पैचिटिन में होता है, और डाइकाइनेसिस में वो क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं. ओके, तो ये मियोसिस सेल डिवीजन था जो कंप्लीट होता है मियोसिस वन और मियोसिस टू के प्रोसेस में. आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होंगी. और ये जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस किया है पूरी तरीके से. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स डेफिनेटली. एंड नेक्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.